इंटरनेशनल कन्वेयर्स लिमिटेड, और ये मैं दूसरी बार कवर कर रहा हूं जेम्स में। पिछली बार किया था 9 अगस्त 2021 को, और उसके बाद आज कर रहा हूं, और वहां से भी मतलब उस टाइम पे सिर्फ मतलब 65 रुपए के लेवल्स पे दिया था 80 रुपए के टारगेट्स के लिए, और वहां से बहुत ज्यादा ये स्टॉक वैसे परफॉर्म नहीं किया हुआ है, और आज 90 रुपए के लेवल्स पे है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत बढ़िया करेगा। सबसे बढ़िया बात है, मैं कुछ बैकग्राउंड देता हूँ कंपनी की, मतलब ओवरव्यू अगर देते हैं तो ये ओनली लिस्टेड प्लेयर है जो पीवीसी कन्वेयर बेल्टिंग में है। और ये देखिए कन्वेयर बेल्ट कहाँ यूज होते हैं इसके बारे में बताऊंगा। ये मतलब हाई ग्रोथ माइनिंग और बल्क ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन जो होती है उसके लिए क्रिटिकल कंज्यूमेबल है, और बहुत ही बड़ा एंट्री बैरियर है। मतलब ड्यूअल इसमें अप्रूवल्स चाहिए होता है, हर कोई कंपनी जल्दी से नहीं आ पाती है, तो एक वो बहुत बड़ा फायदा है। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होते हैं प्रोडक्ट बना के सप्लाई करने में, और मतलब जो कस्टमर्स हो अलग ही टाइप की। और ये कंपनी देखिए वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट, मतलब इंडिया की तो ओनली लिस्टेड प्लेयर है, इसमें वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पीवीसी सॉलिड वुडन बेल्टिंग में है, और एक्सपोर्ट करती है अराउंड 85% ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, तो दैट्स द बेस्ट थिंग। और 600 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बहुत स्ट्रांग मतलब जो प्रोमोटर्स का एक्सपीरियंस है, करीब 40 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, दैट इज अगेन वेरी गुड। 1979 से कंपनी कार्यरत है, और अच्छा खासा इनका क्लाइंट का बेस भी है, और फुल्ली मतलब जो मुझे जो समझ में आया कंपनी का और कुछ मैं देखता हूँ, तो सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि जो इनकी क्लाइंटील में जो बाहर की कंपनियां हैं, मतलब एक तो टाटा स्टील, श्री सीमेंट्स और कोल इंडिया, ये सब तो ही है, और रोजबर्ड, बेल्टेक और ये सब बाहर की क्लाइंट्स भी है, और कन्वेयर बेल्टिंग से मेजर वॉल्यूम आता है इनका। और सबसे बढ़िया बात है प्रोमोटर्स ने कुछ सालों में शेयर होल्डिंग भी बढ़ाई है। फिर मैं इनकी क्रेडिट रेटिंग देख रहा था, रिसेंट क्रेडिट रिपोर्ट भी देख रहा था, तो कुछ समय तक तो कंपनी अच्छा नहीं कर रही थी, क्योंकि जहां पे भी रबर और ये सब की बात आती है तो थोड़ा सा वो रहता है, और प्लस प्राइसेस थोड़ी सी रॉ मटेरियल की प्राइसेस को लेकर कंपनी का थोड़ा परफॉर्मेंस में फर्क पड़ रहा था, बट ओवरऑल अब मैं देखता हूं तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे है, 16-17%, बहुत ही जबरदस्त पिछले 5 साल के प्रॉफिट की ग्रोथ दी है 42%, सेल्स की ग्रोथ करीब 31%, और 7 करोड़ के पैट के सामने 23 करोड़ का पैट सितंबर 2023 में, सो दैट इज द बेस्ट थिंग। मतलब 52 करोड़ का पैट है कंपनी का, इस तरीके की ग्रोथ कंपनी ने दी है। मतलब आप देखिए 29 करोड़ का पैट मार्च 2023 में, अब टीटीएम बेसिस पे 52 करोड़, और जून क्वार्टर में 14 करोड़ का पैट, और इस क्वार्टर में 23 करोड़ का पैट, मगर इसमें एक अदर इनकम का फैक्टर था, उसकी वजह से मार्केट ने इसको थोड़ा सा पनिश किया, बट ओवरऑल मुझे अब लगता है कि ओवरऑल ये करेक्टेड हो चुका है, सबसे बढ़िया लेवल्स पे है। प्रोमोटर्स ने अच्छी खासी शेयर होल्डिंग पिछले, मैंने जैसा बोला कि 65% से 71% तक किया है, और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ रिनाउंड नेम्स आगे पीछे इन्वेस्टेड रहे हुए हैं स्टॉक में, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जा सकता है, और आराम से 105 का पहले हाईज बनाया हुआ है, अब मैं 105 और 110 के टारगेट के लिए स्टॉक को रिकमेंड करता हूँ।